बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा फ्राइज़। बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम आलू को छील लेंगे और इसको चिप्स की तरह काट लेंगे। इस तरीके से पहले हम इसके पीसेस कर लेंगे। यह आप बच्चों को भी लंच में दे सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से चिप्स खाते हैं और पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी उनको बहुत पसंद आएंगे। इस तरीके से इसकी आप कटिंग कर लें। चिप्स को मैंने काट लिया है और धो के रख लिया है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल सके। पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाना बहुत ही आसान है। आप ये बच्चों को बना के लंच में भी दे सकते हैं और मेहमानों के सामने भी रख सकते हैं। या आलू के चिप्स हमने काट लिए थे, अब हम इसमें मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों के साथ भी कर सकते हैं या फिर किसी चम्मच के साथ। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है कि हर जगह मैदा मिक्स हो जाए। थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना ताकि नमक और मैदा अच्छे तरीके से हर जगह लग जाए। अब हम चिप्स को फ्राई करेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे। एक जगह पर चिप्स फ्राई हो गए हैं अच्छे तरीके से। इसी तरह हम सारे चिप्स को फ्राई करके एक जगह पर निकाल लेंगे। अब हम चिप्स को एक प्याली में डाल लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ डालेंगे। चीज़ को हमने हर तरफ डाल लेना है और गरम गरम चिप्स पर ही आपने चीज़ डालनी है ताकि चीज़ मेल्ट हो सके। अब हमने बारबेक्यू सॉस डालना है। अब हमने थोड़े से चिप्स दोबारा से इसके ऊपर डालने हैं। थोड़ा सा मायोनीज डालना है। अब हमने इसमें टमाटो केचप डालना है। इसके ऊपर हम दोबारा से चीज डालेंगे। चीज़ हमने हर तरफ डालनी है इस तरीके से।
ये देखें, हर तरफ मैंने चीज़ को डाल दिया है। हर तरफ मैंने चीज़ को डाल लिया है। अब हम इसके ऊपर ऑलिव्स डालेंगे। ऑलिव्स डालेंगे हम। ऑलिव्स डालनी है हमने। अब हमने इसके ऊपर से ऑरिगैनो लीव्स डालने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा फ्राइज़ तैयार हैं। आप ज़रूर इसको घर में ट्राई करें और बच्चों को लंच में बना के दें या मेहमानों के सामने रखें, हर तरह ही ये बहुत मज़ा देंगे। ये देखें कितने ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा फ्राइज़ तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल सकें और आप मेरी हर वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।